जेहलम में वजीर आजम का क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा नाकामी से दो चार। टिम्बर माफिया ने जेहलम के दही इलाकों से दर्जनों दरख्त काट डाले। महकमे जंगलात भी साथ मिला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं अहले इलाका। खबरनामे के साथ मैं हूं काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इलाकाई खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि महकमे जंगलात की लापरवाही या कुछ और, लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जंगल से काटकर फरोख्त होने लगी। वजीर आजम के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। महकमा जंगलात की लापरवाही या कुछ और, लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जंगल से काट कर फरोख्त होने लगी। वजीर आजम के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। महकमा जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन की अंधेर नगरी चौपट राज कायम। जेहलम के जीटी रोड से महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मिली भगत से लाखों रुपए मालियत की लकड़ी जंगल से काट कर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने लगी। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तीन ट्रालियां लकड़ी से भरी पकड़ी, जिसे महकमा जंगलात के फरासत नामी मुलाजिम ने दो ट्रालियों को भारी मुआवजा में मुख मुका करके छड़वा दिया, जबकि एक ट्राली अभी भी लहड़ी पार्क में मौजूद है। जराये के मुताबिक इसके मालिक को भी 1.5 लाख रुपए लाने का कहा गया। मीडिया की मुदाखलत पर महकमा जंगलात के करप्ट अफसरान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक ट्राली जो मौका पर मौजूद है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा जंगलात के ऑफिसर आमर इम्तियाज से मौकफ जाने की कोशिश की तो मगर मौसूफ ने मौकफ देने की बजाय मीडिया नुमाइंदगान को संगीन नतायज धमकियां देना शुरू। एक तरफ तो हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत दरख्त लगाने का, दूसरी जनब महकमा जंगलात के अफसरान मुलाजमीन की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर दरख्त कटवाए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम।